और आतंकी गतिविधियों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मस्जिद और मदरसों तक जुड़े आईएसआईएस के तार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आतंकी रिजवान के संपर्क में कई मौलाना थे, संपर्क में रहे कई मौलाना, शिक्षकों की तलाश की जा रही है। अब खुफिया टीमें जानकारी जुटाने में जुटी है, प्रयागराज में मोतियोल को लेकर जांच होगी, सूत्रों के हवाले से खबर। स्पेशल सेल की टीम ने नैनी पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध रिजवान के तार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद अब खुफिया टीमें यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं रिजवान ने प्रयागराज में कोई मॉड्यूल तो नहीं तैयार किया था। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल की टीम ने नैनी पहुंचकर छानबीन की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी रिजवान अशरफ को लेकर स्पेशल टीमों की जांच प्रयागराज में भी जारी है। रिजवान के नैनी में रहने और कई मौलाना और मदरसों के शिक्षकों से तालमेल की बात भी सामने आई है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी 23 अक्टूबर बीजेपी